press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. For pump selection, we need to calculate horsepower of the pump depending upon the rate, GPM and head loss feed. So pump selection के लिए सबसे पहले important चीज़ जो find करनी होती है वो horsepower. Horsepower के लिए जो important parameter है जिसके द्वारा हमें pump का horsepower पता चलता है, main important parameters जो इसके हैं GPM और head loss. तो सबसे पहले हम horsepower का formula जानते हैं. Horsepower is equal to GPM into head loss into specific gravity of water divided by 3960 into percentage efficiency of motor. तो अब देखते हैं हम इन्हें डिटेल में. जैसे कि हमें पता है GPM is equal to TR into 24 by delta T. GPM के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है. आप GPM को जानने के लिए या GPM किस प्रकार से हमें हासिल होता है, GPM के पैरामीटर्स आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो मैंने लिंक में इसको ऑलरेडी रखा हुआ है. तो सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो GPM के बारे में देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए. नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर जो कि 1 होता है. परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मोटर, मोटर की परसेंटेज एफिशिएंसी ली जाती है जो यूजुअली 60-80% के बीच में कंसिडर की जाती है. तो नेक्स्ट हमारा 3960 इज द कॉन्स्टेंट पैरामीटर. तो हमें इसके बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पैरामीटर है हेड लॉस. हेड लॉस हमें फाइंड करना होता है. सो इन सब के बारे में हमें इंडिविजुअली फाइंड करने के बाद हमें इसे इस फॉर्मूले में कंप्यूट करके हमें पंप का हॉर्स पावर पता चलता है. नाउ आफ्टर नोइंग ऑल द वैल्यूज वी नीड टू कैलकुलेट द हेड लॉस इन द पाइपिंग. हेड लॉस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है. आप मैं ये वीडियो को ऑलरेडी इस लिंक में डाल दूंगा ताकि आप पंप हेड लॉस या पंप हेड कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं आप उस वीडियो को देख सकते हैं. तो आइए अब हम इस पैरामीटर्स के साथ सबसे पहले हेड लॉस इन द पाइपिंग इज आल्सो नोन एज पंप हेड, जो मैं पंप हेड की बात कर रहा था. नेक्स्ट हेड लॉस जो मेजर किया जाता है फीट में और मीटर में भी मेजर किया जाता है. तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था क्लोज लूप और ओपन लूप सिस्टम के बारे में. तो जो पैरामीटर हमें क्लोज लूप सिस्टम में लेनी होती है हेड लॉस के लिए वो होती है फिटिंग्स, पाइपिंग सिस्टम, वॉल्स, कॉइल्स, चिल्लर एवोपरेटर एंड सिस्टम प्रेशर. तो यहाँ पर मैंने एक दो एग्जांपल लिए हुए हैं जहाँ पर आप ये देख सकते हैं. ओपन लूप सिस्टम में इन सभी पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है और स्टार्ट में एक और एडिशन पैरामीटर जिसे स्टैटिक एलिवेशन कहा जाता है. तो इन सबको इसका पंप हेड कैलकुलेशन किया जाता है. मैं उसका वीडियो अलग से इस लिंक में डालने वाला हूँ. तो हमारा टोटल हेड लॉस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम में 81 है और ओपन लूप सिस्टम जो वाटर कूल चिलर में कूलिंग टावर की साइड होता है. तो आइए अब हम एग्जांपल द्वारा पंप का हॉर्स पावर डिटरमाइन करते हैं. तो जैसे कि हमने देखा इसका फॉर्मूला हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू GPM इनटू हेड लॉस इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 3960 इनटू परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसका GPM 400 है, इसका हेड 30 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर 0.70 यानी 70% मैंने इसकी एफिशिएंसी रखी हुई है. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे देखते हैं कि हमारा हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट होता है 4.64. तो यहाँ हमने पंप का हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट पता लगा लिया है.